वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बरकातु। कौन भाई? अफगान साहब खैरत से वो तबीयत ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है जी। हजरत मैं मुबारक हूँ। मुबारक किस चीज के लिए भाई? नाम मुबारक है जी। अच्छा अच्छा मुबारक भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। और सुनाइए खैरियत से तबीयत ठीक है? जी 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 भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी पता नहीं कोई रिकॉर्डिंग सुन रहा था किसी साथी के साथ, आपकी बात हुई थी रफल दैन के मसले पे। हाँ आपने भी बहुत कमाल के आदमी हो, देवबंदियों के पीछे एकदम लग गए हो। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ न कुछ तो है कि जिस वजह से पता नहीं कितनी फोन रिकॉर्डिंग में आपकी सुन रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा है भाई। कुछ असल में जो जो लोग मेरे भाई हमारे कुरान हदीस और हमारे प्यारे नबी की सुन्नत का रद्द करने के लिए आते जाते हैं, जो जो रास्ते में मिलता जाता है उनकी भाई इसलाह करने की कोशिश करते जाते हैं, उन तक भाई कुरान हदीस की बात पहुंचा देते हैं। अब मानना या ना मानना भाई वो उनके ऊपर है, अब कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। नहीं, ये जो मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था इसमें जो वो साथ ही आपको रफलेदेन की एक रिवायत पेश कर रहे थे, रफलेदेन न करने की, वो मुस्लिम के हवाले से वो रिवायत पेश कर रहे थे जाबिर बिन समूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु। नहीं मैंने वो पूरा वो जवाब नहीं सुना, आपने क्या जवाब दिया उस बारे में? क्या फरमाते हैं उलमाए किराम, क्या है उस बारे में उलमाए किराम का नजरिया? इमाम बुखारी रहिमुल्लाह फरमाते हैं जो सही अल मुस्लिम की जाबिर बिन समरा वाली जो हदीस है रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली जो हदीस है उससे रफादैन ना करने की दलील पकड़ता है, उसका इल्म में कोई हिस्सा नहीं, उसको इल्म की हवा भी नहीं लगी है। ये इमाम बुखारी फरमाते हैं या अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह। तो बुखारी वो नबी है या उम्मती है? वो नबी है या उम्मती है भाई? वो मुहद्दिसीन है। मुहद्दिसीन नहीं, मुहद्दिस है जमा। हाँ मुहद्दिसीन की जमात जो कहेगी उसको मानना पड़ेगा ना। किसने बताया? उम्मती है ना, उम्मती है ना। हाँ तो उम्मती की बात का भाई नहीं माननी चाहिए। इल्मी मकाम वो अलग है लेकिन उम्मत से खारिज तो नहीं है ना। उम्मत होने से खारिज तो नहीं है ना। तो ऐसे तो मेरे भाई पूरा दीन ही नहीं भाई हमारा बचेगा ना, क्योंकि आज जो आप कुरान पढ़ रहे हैं वो एक उम्मती छाप रहा है। यही तो मसला है ना, यही आप जो हदीसें पढ़ रहे हैं वो उम्मती छाप रहा है। यही अल्लाह के नबी तो डायरेक्ट आपके हाथ में देने नहीं आते हैं। खान साहब आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात मुकम्मल हो जाए। ये आपने बहुत बेकार बात कही तो भाई। इमाम बुखारी, अगर इमाम बुखारी ने ये बात फरमाई तो आपने इज्तिहाद से बताई है किसी आयत कोई दलील से बताइए ना, सही मुस्लिम की दलील है। दलील कौन सी उन्होंने पेश की? वो सही मुस्लिम की जो दलील है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये मैं तुम्हें क्या देखता हूँ, तुम नमाज में घोड़ों की दुमों की तरह हरकत देते हो, ऐसा मत करो, नमाज में सुकून इख्तियार करो। नहीं ये आप तो घोड़े की दुम कैसी हिलती है, ऊपर नीचे हिलती है या दाएं हिलती है? आप तर्जुमा गलत कर रहे हो, आपने तर्जुमा बिल्कुल गलत किया। अगर हरकत का लफ्ज होता तो हरकत तहर्रक या तहर्रक तहर्रुकन होता है, मगर यहाँ है माली आराम अल्फाज के साथ भाई। आप नहीं नहीं अल्फाज के साथ करनी है, आप जो है नबी घोड़े की दुम की तरह इशारा करते हो, हरकत करते हो, ये तो यहाँ पे दे रहे हैं लगता है। तो घोड़े का दुम भाई कैसे, आप घोड़े के दुम कैसे इशारा करती है, ऊपर नीचे करती है कि दाएं बाएं करती है? पहले बताइए, मैं बताऊंगा ना, पहले आप देख लीजिए वो मैं बताऊंगा। इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा जो रिवायत पेश करते हैं, रवल इमाम अल हाफिज अल मुहद्दिस मुस्लिम बिन अल हज्जाज अल कैशरी अन निसापुरी व भी قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو ابو قريب بن قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو ابو قريب بن قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو ابو قريب بن قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه आप रिवायत आप हदीस उनके क्यों शोर करते हैं? ये तो नबी सुन की हदीस है। आप डायरेक्ट आपको सनद पता है, अरे वो अगर हदीस पूरी आप उससे क्या समझे, ये हमको समझाइए। अगर हदीस से मोहब्बत है अफू भाई, आप गुस्सा क्यों रहे? मैं हदीस सुना रहा हूँ, आप सुन जल्दी बताइए ना, मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, आपकी पूरी सनद मतलब सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। सुन तो लीजिए ना हजरत, सुन तो लीजिए। काला खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वकाला माली अराकुम राशि ई आई डी कुम है, लफ्ज राशि ई आई डी कुम का अन्ना अजनाब खैर शम्स उसकुन सला। यहाँ लफ्ज राशि ये रफ़ुन से निकला है, रफ़ुन के माने उठाना। अब आपका ये सवाल है कि क्या घोड़े भी हाथ उठाते हैं या दुम उठाते हैं, ये अलग मसला है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने तशबी दी ना राशि आई डी कुम से, तो फरमाओ लगा भाई आप भाई आप बचपन से बेवकूफ हैं या मतलब बड़े होने के बाद बने हैं? नहीं जैसे आप है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, हमने घोड़े देखे हैं, जब घोड़े शरारत करते हैं हमने देखा यार अफू भाई साहब, हमने हमारे घर में घोड़े पले थे, देखिए मुबारक भाई आपके घर में घोड़े पले हैं या पले हैं, उठाता है आप रात भर घोड़े के पीछे रखिएगा और देख के बताइएगा घोड़ा कुछ कैसे हिलाता है, दाएं बाएं हिलाता है या ऊपर नीचे हिलाता है, क्यों करते हैं? अरे अफू भाई आप तारीख मान भाई आपने कसम खा रखी, आपने मतलब कसम खा के फोन किया है कि आप मेरे को बोलने नहीं दोगे? नहीं आप मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, बाद में आप तकरीर कर लीजिएगा। नहीं तो तकरीर आप ना कीजिए ना, मेरे सवाल का भाई यार जवाब दीजिए सीधा, घोड़ा आपसे पूछ रहा हूँ घोड़े दिन को कैसे हिलाता है। आपने जो उनको ये बताया ना, मैं आपसे उसकी वजाहत दलील बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं। अरे मैंने आपने मेरा पूरा जवाब मेरे भाई सुना भी नहीं और आप मेरे से वजाहत भी चाहते हैं, उस ऑडियो में मैंने पूरी दलील दे दी है, आप सुनिए तो। नहीं दलील कहाँ, दलील तो मैंने उसमें पाई नहीं, जिसे आप दलील कह रहे हैं वो तो आप दलील किसको कहते हैं? हदीस आपके नजदीक दलील नहीं है, जो मुहद्दिसीन जो हदीस की नकल कर रहा है उसको कमेंट कर रहा है वो आपके नजदीक दलील नहीं है, तो दलील आपके नजदीक है क्या? दलील हमारे नजदीक कुरान के जाहिरी नुसूस भी है, लेकिन इज्तिहाद वो है जो मुज्तहिद होगा, बाकी जो आप अपनी तरफ। अरे आपकी हुज्जत इमाम का कौन है ना मेरे भाई, साफ साफ कहिए, छुपा क्यों रहे अपना चीज़ा? आपने जो है अपनी बात पूरी की, अब मेरी सुन तो लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ आप अपना जो माना पेश करेंगे हम उसको हदीस समझकर नहीं मानते हैं, आप अपना माना पेश करें, बल्कि जो हदीस का माना होगा वो जान के आप पेश करें, फिर हम बात मानेंगे। अच्छा एक बात बताइए, फरमाते राशि आई जी कुम फरमाते, यहाँ का रफ़ुन का लफ्ज आया है, आई जी का लफ्ज आया है भाई, देखिए लफ्ज आप नहीं समझ पाएंगे ना क्योंकि आप हैं मुकल्लिद, अगर मुकल्लिद अरबी और हदीस और ये सब समझ जाता तो भाई वो मुकल्लिद ना होता, वो अहले हदीस होता, तो आप अरबी से आप ना कहिए। एक मिनट अफू भाई, ये कहाँ लिखा है जो हदीस जाने कुरान जाने वो चीज़? अच्छा ये बताइए आप ज्यादा जानते हो या आपके हनफी मसलक वाले ज्यादा जानते हैं? क्या आपको ज्यादा इल्म है या आपके हनफी मसलक वालों को ज्यादा इल्म है? मैं खुद हनफी मसलक का हूँ, ये कौन सा सवाल आपने किया? क्यों मेरे भाई हनफी मसलक को आपको कुछ नहीं आता जाता है? किसने बताया आपको? आपकी जो हनफी फिका है ठीक है, यानी कि हिदाया शरीफ जिल्द नंबर एक सफा नंबर 389 पे उतरा हुआ है कि रफुल भाई वहाँ पे साफ साफ उतरा हुआ है कि रफुल दैन करने की हदीसें बा नस्बत ना करने के ज्यादा कवि हैं, यानी कि रफा दैन करने की जो हदीसें हैं वो ना करने वाली हदीसों से ज्यादा कवि हैं, और शरा बिकाया में उतरा हुआ है रफुल दैन ना करने की तमाम हदीसें ज़ईफ है। अरबी में है ना, आप इबारत पढ़ दीजिए, आप इबारत पढ़ दीजिए, हिदाया जो है उर्दू में नहीं, वो उर्दू में तर्जमा क्यों किया है आपके अकाबिरों ने? आप इबारत पढ़ दीजिए, आपके अकाबिरों ने उर्दू में तर्जमा क्यों किया है? आपने उनके तर्जमे जब कोई मानता नहीं है उर्दू आपके वहाँ, तो उर्दू में तर्जमा काहे के लिए फालतू में किया गया है? वो थोड़ी आपके लिए है, क्यों छोड़े क्यों मेरे भाई, अगर आप उनके मुकल्लिद हैं, अरबी का उर्दू में तर्जुमा हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए, तो आप लोग उसके बारे में क्यों इनकार कर रहे हो? या तो उनको मानो या तर्जुमा करना छोड़ो। तो हम तो मान रहे हैं ना, उनकी बात सही है ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, यानी कि उनकी तर्जुमानी उनकी ये बात सही है कि रफा दैन करने की हदीसें ना करने वाली हदीसें ज्यादा कवि है, और उनकी ये भी बात सही है कि रफा दैन ना करने की तमाम हदीसें ज़ईफ हैं। क्यों चंदा करते हो? तो जो बात सही है मानेंगे ना, शैतान की भी सही बात को हम मानेंगे। आपके पास सच में इतना सलीका है कि आप हिदायत को छान फटक कर देख रहे हैं कहाँ सही है? नहीं क्यों, हिदायत कोई आसमानी किताब है, जब अल्लाह ताला का कुरान आसान है तो क्या हिदायत क्या उससे मुश्किल है? ये तो मैंने इसी वजह से तर्जुमा रखा है ना सामने। अच्छा आप लोग एक चीज बताओ, अरबी मतलब अरबी नहीं, आप 24 घंटा अरबी का मुगालता देते रहते हो, आपके वहाँ अरबी में है क्या बताओ? आप पढ़ी आपकी दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है, फारसी में नाम लेना जायज है, अरबी वहाँ अगर इमाम हिदाया ने ये बात पेश की वो बेटा तो फारसी में नाम साबित किया है,
भाई मुबारकबाद हम आपको, हम आपको भाई अभी मुबारकबाद देंगे अगर आपने फारसी मजान दे दिया तो। मैं कह रहा हूँ इमाम शाफी का मसला हम सुन्नत, उनका अमल हम सुन्नत जानते हैं उनके लिए। अरे आप इमाम शाफी को छोड़िए, आपने मुकल्लिद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के और जो उनके नाम से हनफी फिका मंसूब है वो है हिदायत मुख्तार शराब काया कोई अच्छी चीज फतावा आलमगीरी पतरखानिया फिकुल अकबर, तो ये जो किताबें हैं इनमें आया हुआ है तरफुल दैन करने की हदीसें ना करने की हदीसों से ज्यादा कवी हैं। तो आप क्यों नहीं मान रहे इनकी बात? हमने तो जब आप अपने मसले की बात नहीं मान रहे तो हदीस की कहाँ से मानेंगे? हमने तो मान लिया कि इमाम शाफी के बारे में ये ठीक है। और सही अल-मुस्लिम की जो हदीस आपने पढ़ी है उसमें उसमें भाई वो जगह कहाँ पे है जहाँ पे सहाबा हरकत दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप पूरी हदीस बताइए ना, उम्मत को धोखा क्यों देते हो मेरे भाई? पूरी हदीस पढ़ो। आप चोरी का माल ले रहे हैं। देखिए अफू भाई ये धोखा नहीं है, आपने जब खुद मान लिया धोखा दिया, आपने उर्दू में पढ़ी, आप भी धोखे में पड़े हुए हो, उम्मत को भी धोखा दे रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कौन सी जगह पे सहाबा अपने अपने हाथों को हरकत दे रहे हैं, कौन सी जगह पे रफादान कर रहे हैं बताओ? कौन सी जगह है, कौन सी जगह कर रहे हैं? कौन? अरे अल्लाह के नबी आते हैं, सहाबा को देखते हैं, तभी तो मना करते हैं ना कि ऐसा मत करो, वो नमाज में सुकून इख्तियार करो। तो वो कौन सी जगह पे करते हैं? जो सलात का लफ्ज जो है ये अंदर वाले तकबीर तहरीमा के बाद और सलाम से पहले सलात का इत्लाक होता है। अरे किस जगह पे सहाबा वो ऐसा रफा दैन कर रहे थे? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये तो मैंने वही मेरी सुनो ना। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसकुनो फिर सलाह, लफ्ज सी तो जर्फ के लिए आता है, तो आपको पता है कि अरे आप हमको अरबी ना सिखाइए। अरे सुन तो लो, अरे जाहिल सुन तो लो भाई, जाहिल मुकल्लिद होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। इमाम इब्ने कय्यूम रहिमुल्लाह इजमा नकल करते हैं मुकल्लिद के जाहिल होने पर। अरे कहाँ पढ़ा हुआ है? अरे तू कहाँ पढ़ा हुआ है? खुद जाहिल हो मेरे भाई। अरे तू कहाँ पढ़ा? ये तो आपने खुद साबित कर दिया कि आपने हमने अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर दिया कि कोई मुस्लिम से रफादैन ना करना साबित ही नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है कौन सी जगह पे अल्लाह के नबी ने सहाबा को टोका, वो कौन सी जगह थी नमाज में? सलाह का लफ्ज जो है ना, आपकी सलाह नमाज में सुकून इख्तियार करो, तो वो कौन सी जगह थी जहाँ पे सहाबा भाई घोड़ों की दुम की तरह भाई रफादान कर रहे थे, कौन सी जगह थी वो? मसला है ना, आप समझ, आप सुनो जवाब। अल्लाह के रसूल सुनिए जो लफ्ज उसकुनु फिस सलाह फरमाए जवामीउल कलिम में से है और फिस सलाह का इत्लाक। अरे भाई फिर अल्फाजों से मत लो, मुझे जगह बताओ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपका जवाब दे रहे हैं। अरे सुन तो लो, क्यों नहीं सुनोगे? सुन तो लो ना, हमने बकवास सुनने के लिए आपको मेरे भाई टाइम नहीं दिया है, आप हमें जवाब दीजिए। कौन सी जगह पे अल्लाह के नबी ने सहाबा को टोका, वो कौन सी जगह थी? अरे बकबक मत करो, पहले जवाब सुनो भाई, जल्दी बताइए कौन सी जगह थी? अरे अरे अफू भाई, आप अफू, अरे मुबारक भाई आपका मुगालता हमारे सामने नहीं सुनने वाला है। अरे अफू सुन तो लो ना, आप जो ये जो हदीस साबित करना चाह रहे हैं आपको शयातीन और उनके जो है हवारीन शोर किया कर रहे हैं, आप सुन तो लो, मैं हदीस के अल्फाज पढ़ रहा हूँ, तू जो है अबू जहल की तरह शोर कर रहा है, सुन तो लो ना। मुझे हदीस के अल्फाज जानना ही नहीं है, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सी जगह पे जानने नहीं और निकला हरकत की? अरे वो बताइए मुझे, सुनने बर्दाश्त नहीं। मैंने हदीस अरबी में भी पढ़ी है, उर्दू में भी पढ़ी है और उसके आगे की भी हदीस पढ़ी है, आप हमें ना बताइए। पढ़ लूंगा, अरे सब पढ़ लूंगा, आप जो है हम आपसे पढ़ने को कहीं नहीं रहे, तो जबरदस्ती क्यों पढ़ रहे? जो आपसे पूछा जा रहा है वो बताइए ना पहले। सुन तो लीजिए, अरे अफू भाई सुन तो लीजिए, अल्लाह के बंदे मेरे प्यारे भाई, अल्लाह आपको हिदायत दे, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप समझ के भी अनजान बन रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि घोड़े की दुमों की तरह इशारा, घोड़े की दुमों की तरह हरकत सहाबा नमाज के कौन से पोर्शन में कर रहे थे, ये मैं पूछ रहा हूँ। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اب جلدی یہ بتا دیجئے
कि अल्लाह के नबी ने सहाबा को नमाज में किस जगह पे रोका कि बोलो कि गुरु की तरह हरकत मत करो, वो जगह बताइए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब सुनेंगे, जल्दी बताइए अल्लाह के नबी ने सहाबा को कौन सी जगह पे देखा कि वो घोड़ों की दुमों की तरह हरकत कर रहे हैं, उस जगह का नाम बताइए। हर एक जगह में, हर एक जगह में माजल्ला, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरी हदीस को जानते हैं उसको दूर बार देगा, उसका ठिकाना जहन्नम क्या है, आपने तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। चलिए मुबारक हो आपको जहन्नम, आपका नाम है क्या है, आपका नाम मुबारक, मुबारक भाई को मुबारक हो जहन्नम, आपने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया, आपने हदीस को झूठ बोल दिया। क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 431 में आया है कि अल्लाह के नबी को देखते हैं कि जो नमाज में जब कायदे में बैठते तो दाएं बाएं जानिब सलाम कहते और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते तो अपने हाथों से इशारा करते, उसको अल्लाह के नबी ने मना किया है और आप कह रहे हो जगह मना किया है। मतलब हनफी इतना जरूरी है कि अपना बातिल मतलब बचाने के लिए अल्लाह के नबी की हदीस को मुझे भाई चेंज करने की कोशिश कर दी। मतलब आपको अपने आप अलग अलग जा रही है, अगर आप इतने जान ले आपको पता है हम बताएंगे, लेकिन दो रिवायतें मुबारक भाई जहन्नम आपको अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, बहुत खुशी की बात है कि आपने अपने लिए जहन्नम को बुक कर लिया। चले अगर ये हदीस पर अमल करना जहन्नम है तो हमें ये जहन्नम कबूल है। कबूल कर दिया कि उसने झूठ बोला है और मुझे जहन्नम कबूल है। ठीक है भाई, तीन बार मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है, जान के मानो भाई, तीन बार ये कबूल है, कबूल है, कबूल है, आपके मतलब आपका मतलब तीन बार बोली जाती है ना, तो हमें मानेंगे आपके मतलब तीन बार भाई, वो तीन बार तलाक बोला जाता है, तीन बार कबूल है, कबूल है, कबूल है बोला जाता है। अरे ये कहिए मुझे जहन्नम कबूल है, कबूल है, कबूल है, बोलिए जरा। मैं तो सुन रहा था, मैंने वो रिकॉर्डिंग उस रिसर्च में जो मैंने उठाया था। मेरे भाई अजीब है मेरे भाई, खाली दिमाग बिल्कुल खाली दिमाग ही दुबल वाले आज फिर साबित हो गया। खाली दिमाग है देवबंद वाले आज फिर साबित हो गया कि जितने देवबंदी मुकल्लिद है सब खाली दिमाग है। सही मुस्लिम की हदीस से रफा दहन को मंसूख करने चले हैं और उनको ये भी नहीं मालूम है कि सहाबा ने कहाँ पे किस जगह घोड़े की दुमों की तरह उन्होंने रफा दहन किया। आता जाता अच्छा। कुछ नहीं है, चले हैं पहले हदीसों से बात करने। भाई पहले इल्म हासिल करो मेरे भाई, उसके बाद आके बात किया करो, बस अच्छा। मुंह उठा के फोन कर देते हो, सुनोगे अब बक बक ही करोगे, सुन भी लोगे कुछ। अच्छा मैं एक चीज बता दीजिए, नहीं नहीं पहले शाफी मुकल्लिद रफा दहन करे तो जायज है, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने किया है तो महबूक है। अरे बकवास तो पहले मेरी बात सुनो ना, आपने कसम खाई है आप बोलते रहेंगे, दूसरे को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्यों, आपने जब इंजन ऑयल पी के फोन किया है तो क्या आपके मुंह में इंजन ऑयल आ सकता है? आप ही को बोलना आता है, आपके मुंह में जबान है। खामोश रहे ना आप, तो चल ही रहे ना, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, कुछ तो सुनना भी है कि नहीं? चलिए मैं सुन लेता हूँ आपकी बात। अच्छा ये बताइए, आपको टाइम दे रहा हूँ, मेरा सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। शाफई मुकल्लिद अगर रफा दहन करे तो वो जायज है, और अहले हदीस अगर अल्लाह के नबी की इत्तबा में रफा दहन करे तो वो भाई मंसूख है। ये दोगलापन क्यों, मतलब एक जगह कोई एक अमल करे तो जायज है, वही अमल हम करे तो मेरे भाई नाजायज है, ऐसा ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बताइए। बिल्कुल हदीस से साबित है। क्या हदीस से साबित है? बिल्कुल, ये जो मसला है शवाते रफुल यदैन करते हैं वो इज्तिहाद का फैसला जान के करते हैं, इज्तिहाद से नहीं करते हैं, अल्लाह के नबी की 400 से ज्यादा सही हदीस मौजूद है इसलिए करते हैं। अरे सुन तो लो पहले, आपके पास तो रफा दहन ना करने की एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है, मैंने आपके मसले से आपका हवाला दे दिया। बोलो मेरे भाई क्या हुआ, लकवा मार गया मुंह में? लगे आप कह रहे हैं कि अच्छा ये बताइए, हनफियों के वहाँ अगर रफा दहन मंसूख हो गया है तो वो तकबीर तहरीमा पे रफा दहन क्यों करते हैं, वित्र की नमाज में रफा दहन क्यों करते हैं,
और ईदैन की नमाज में रफादैन क्यों करते हैं भाई? मनसूख हो गया तो करना ही बंद करो ना। ये क्या कि कर कभी करते तो कभी नहीं करते थे, एक जगह करेंगे बाकी जगह नहीं करेंगे, क्या मतलब? घर आपके दिन की खेती हो गई है हमारी फिक्र की किताबों में, क्या दिन आपके भाई दिन आपके घर की खेती हो गई है? वितर की तीसरी रकात में रफादैन करने की दलील दीजिए। ऐसी भाई वो जगह रफादैन करते हो जहाँ रफादैन करना साबित नहीं है, और ऐसी जगह रफादैन छोड़ देते हो जहाँ अल्लाह के नबी ने आखिरी जमाने तक रफादैन किया। कितने शर्म की बात है ये। और ऊपर से अल्लाह के नबी की सही हदीस से, सही मुस्लिम से झूठा इल्जाम बांधते हो अल्लाह के नबी के ऊपर, जानते बूझते झूठ बांधते हो कि हर जगह का रफादैन मनसूख हो गया। अगर घोड़ों की दुम क्या जो इशारा है, अगर उससे माना भाई रफादैन करना है, तो जो तकबीर तहरीमा पे फिर आप लोग घोड़ों की दुम की तरह हरकत कर देते हो? मतलब एक जगह हरकत देना जायज है, बाकी जगह देना भाई वो हराम हो जाता है। अजीब दोगलापन है आप लोगों के मसलक का। कैसा बातिल भाई ये आपका भाई ये मनहज है, मसलक है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह खुद रफादैन करने के कायल थे। उन्होंने खुद कहा था कि जब सही हदीस आ जाए तो वही मेरा मजहब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही हदीस से हमें साबित होता है कि अल्लाह के नबी ने आखिरी जमाने तक नमाज में रफादैन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह भी रफादैन के कायल हो गए। लेकिन हनफी मुकल्लिद लोग वो नहीं कायल है, वो भी सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के। बाकी जो फॉरेन में जो हनफी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सीने पे हाथ बांधते हैं, रफादैन भी करते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के इतने जिद्दी हैं मुकल्लिद कि उन्होंने कसम खा रखी है कि हम नबी की सुन्नत मंसूख करके रहेंगे, अपना मतलब हक साबित करके रहेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह अहले हदीसों के होते हुए ऐसा ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था कि जब फितने बढ़ेंगे तो एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा और अल्लाह उसकी हमेशा मदद करेगा। और इमाम तिर्मिजी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि इस गिरोह से मुराद अहले हदीस है। ये देवबंदी बरेलवी का तो कहीं नामो जिक्र ही नहीं है, ना किसी मुहद्दिसीन ने लिया, ना किसी सहाबी ने लिया, ना कभी अल्लाह के नबी ने कभी इशारा दिया, कुछ नहीं है। जबरदस्ती मुंह अपना मुंह मियां मिट्ठू बोले, अहले सुन्नत व जमात बने हुए खाली इधर उधर मतलब घूमते रहते हैं। अहले सुन्नत व जमात होने का दावा है तो सुन्नत पे अमल भी तो करो। ये कैसे अहले सुन्नत व जमात हो जो सुन्नत को मंसूख करने की कसम खा रखी है? शाफी रफादैन करे तो जायज है, हम्बली रफादैन करे तो जायज है, अहले हदीस रफादैन करे तो मंसूख है। अरे भैया, अहले हदीसों ने आपका क्या छीन लिया है? हैं? अरे खुद रफादैन नहीं करते हो, खुद अंधे हो गए हो, खुद सुन्नतें छोड़ रहे हो, तो क्या जरूरी है हर आदमी आपकी तरह अंधा हो जाए? क्या वक्त मेरे भाई कोमा में चले गए? नहीं, बीपी पी अगर बढ़ गया हो तो जाके मेरे भाई जाके कहीं बीपी चेक करवा लीजिए अपना। बोलते क्या रहे मेरे भाई, तुम्हारी बोलती बंद हो गई। चलो भैया, मुबारक भाई को मुबारक हो, इनकी बोलती बंद हो गई, उन्होंने जहन्नम कबूल कर ली और उन्होंने ये भी कबूल कर लिया कि उन्होंने जानते बूझते नबी की हदीस के ऊपर झूठ बांधा। जोर से बोलो भाई, आवाज साफ नहीं आ रही। अरे कहाँ गए? मैं खाना खा रहा हूँ, आप बोलते रहे, आप बोलते रहे। तो खाना खा रहे हो तो जरूरी था फोन करना क्या मेरे भाई? डॉक्टर ने बताया था कि खाना खाते खाते फोन करो। कोई बात नहीं, आप बोलते रहे, हम खाना खा रहे, आप बोलते जाइए। हाँ चलिए, आपको बता देते हैं भाई, सही मुस्लिम की जो हदीस है वो एक हदीस को आप लेके ये साबित करते हैं कि रफादैन भाई मनसूख हो गया। लेकिन उसी सही हदीस में, उसी सही मुस्लिम में, उसी के आगे की जो हदीस है 430 नंबर के बाद जो 431 नंबर की हदीस आ रही है, आप उसको छोड़ देते हैं। उसमें वजाहत की गई है कि किस मुकाम पे सहाबा घोड़ों की दुमों की तरह हरकत कर रहे थे। वो मुकाम था कायदे में बैठ के, जब सहाबा दाएं बाएं जाने अपने हाथों से सलाम का इशारा करते थे। उसको अल्लाह के नबी ने कहा है कि ऐसा मत करो, नमाज में सुकून इख्तियार करो।
तो इसमें रुकू से पहले, रुकू के बाद और तकबीरे तहरीमे वाला ये रफा देना आपने कहाँ से जोड़ दिया? अब किसने सुनोगे, बताया आपको? अब सुनोगे, हाँ सुनाओ। अब खामोश रहो, जब तक मैं खामोश रहा आप खामोश रहो, ये बात सच है। ये सब कोई राग पत्ती नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दोगे तो खामोश रहूंगा। मैं दूंगा ना जवाब, आप रहे हाँ जवाब खामोश में दो। जवाब, आप जवाब रहे दो। खामोश में जवाब। दो। हाँ, असला ये है, जो आप ये बोलते रहते हैं ना, रफूल दे रफूल दे रफूल दे, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको मानते हैं इश्तिहाद के दर्जे में। झूठ और जहाँ झूठ तक करने और सरासर नकली झूठ। का मसला है, रिवायत इज्तिहाद मुझे वहां होता है अल्लाह, जहाँ पे भाई कुरान अरे हदीस मौजूद ना हो। कबीलेपन की क्या होती, मैंने कहा ना खामोश रहो, मैंने तो आप झूठ आपका आपको सुनने के लिए थोड़ी आप, ना मेरे भाई, झूठ आप झूठ बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। अरे तू तो जलील आदमी निकला, तू तो बिल्कुल एकदम निकला। इतिहास से कैसे साबित है रफा दैन मेरे भाई? उसकी तो अरे ये हदीस तो मौजूद है इमाम ना, इब्ने तैमिया एक का हदीस कहना नहीं है, है, अरे सैकड़ों हदीसें मौजूद है, तो इब्ने वो तैमिया इतिहास में कर्रानी क्यों जाएगा? फरमाते, लगा उन पे फतवा लगाओ, हाँ लगाओ लगाओ। कौन है, कौन है बोलो? लगरानी फरमाती बात, है कौन फरमाता है? मसला के अंदर ये बात फरमाते, इसी तरीके से जो है जादुल महाद के अंदर जो है अल्लाह में इतना पाई और जैसे ये बात उनकी बात में नकल कर रहा हूँ, हाँ क्या वो कहते हैं? ये रफुल एजेंट करना कोई न करना उसके बारे में दोनों रिवायत साबित है। भाई जोर से और बोलो, आवाज साथ में साफ ये नहीं आ भी रही वो अल्लाह के फरमाते बंदे। हैं, अरे सुन तो लो, हाँ मैं तो जज्बा तो रखा हूँ, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, अगर आपको जवाब जी आवाज आपकी भाई वो ब्रेक हो रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं ब्रेक नहीं हो रही, ब्रेक तो तुझे लग रही है, हम तो बोल रहे हैं, साफ बोल रहे हैं। भाई अभी ऑडियो जब आपकी शेयर करेंगे आप खुद सुन लीजिएगा, आपकी आवाज बीच बीच में कम आने लगती है। कोई बात नहीं, ये तो आपको करती होगी तो, लेकिन हमारे तो ठीक चलती है। हाँ तो बोलिए ना, किसने भाई, किस जाहिल ने कहा कि रफा दहन करना इतिहास से साबित है और उसकी हदीसें बिल्कुल, मौजूद नहीं है? आप सुनो ना, आप सुनो, पहले सुनो, जहां तक नफ्स रफुले देन और नफ्स तर्क रफुले देन है, नफ्स मतलब समझना माहियत हकीकत, अरे तो ये इसके नफ्स बारे और में, बेनफ्स ये सब अरे हटाओ, सुन रफा तो, दहन को अरे ये सब इज्तिहाद किसने कहा ये बताओ? ये तो कितना जलील आदमी है, बिल्कुल सुनता भी नहीं है। जलील आदमी तुम हो मेरे भाई। उमर रजी अल्लाह ताला नु फरमाते हैं कि जो रफा दहन है नमाज की जीनत है, अरे अरे खूबसूरती है। बोलते रहो, अच्छा बोलो बोलो, आप ही बोलो। उमर रजी अल्लाह ताला नु फरमाते हैं, तमाम सहाबा के नजदीक रफा दहन नमाज की जीनत थी, खूबसूरती थी, और आप कह रहे हो कि ये इज्तिहादी मसला है? अजीब मेरे भाई ये, हद हो गई मेरे भाई, हद हो गई। अल्लाह ही रहम करे आप लोगों पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, वो आप अगर समझ जाएंगे तो आप बात समझ जाएंगे, ठीक है? सही मुस्लिम की जो हदीस आप लोग एक हदीस पेश करते हो और दूसरी हदीस में जो उसकी वजाहत है वो पेश नहीं करते हो, उसकी मिसाल ऐसी है कि मान लीजिए आप आए मेरे पास और किसी ने मुझसे पूछा कि भाई वो फला भाई आपके पास आए हुए थे, तो मैं उससे कहूंगा कि हाँ वो आए थे, तो अब वो मुझसे कह रहा है कि वो नंगे आए थे, तो मैं कहूंगा नहीं भाई नंगे तो नहीं आए थे, तो वो कहेगा नहीं अफू भाई आपने खाली इतना बताया कि वो आए थे लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो कपड़ों में आए थे। आप बात समझे? यानी कि मुबारक भाई अफू खान से मिलने आए और किसी ने मुझसे पूछा क्या वो आए थे, तो मैंने कहा हाँ आए थे, अब वो शख्स हमसे कह रहा है नहीं वो नंगे आए थे। क्यों? क्योंकि अफकू भाई आपने ये नहीं कहा कि वो कपड़ों में आए थे। तो मेरे भाई जब जहां पे जिसकी बात होगी उसका बताएंगे ना, उस आदमी ने मुझसे सवाल किया कि वो आए थे, मैंने बता दिया हाँ आए थे, अब अगर वो मुझसे दूसरा सवाल पूछेगा वो भाई वो कपड़ों में आए थे या नंगे आए थे, तो मैं उनको बताऊंगा कि भाई कपड़े में आए थे। फिर वो मुझसे पूछेगा भाई वो गाड़ी से आए थे या पैदल आए थे, तो मैं बताऊंगा भाई पैदल आए थे। तो इस तरीके से बात की वजाहत होगी ना, तो इसी तरीके से सही मुस्लिम की जो हदीस है, एक हदीस में अल्लाह के नबी ने घोड़ों की दुमों की तरह हरकत देने से मना किया है और दूसरी हदीस में बताया है कि वो हरकत की जगह कहाँ है। तो आप एक हदीस में आप चाहते हो सारी बातें मिल जाए आपको, तो ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी की नमाज की, रोजे की, हज की, जकात की, और भाई वो मामलात की, हुकूक की, बीवियों के साथ की, और बारी की, और हर चीज की अलग अलग हदीसें हैं ना।
अब आपको सारा मतलब क्या एक ही हदीस में चाहिए, मतलब ये तो वही बात हो गई कि बाज आयतों पे ईमान लाते हैं बाज आयतों को छोड़ देते हैं, और बाज जो हदीस पे ईमान लाते हैं बाज हदीसों को छोड़ देते हैं, ये कैसा आपका ईमान है मेरे भाई? चलिए ठीक है मेरे भाई, टाइम पास बहुत हो गया, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, ठीक है, मुबारक देवबंदी को, उनका बातिल हनफी मजहब मुबारक हो, अस्सलाम वाला मन इत्तबा अल हुदा।